जिले के दिग्रस तहसील के लाखराजी गांव में मंगलवार को संपन्न हुई टीकाकरण मुहिम को उम्दा प्रतिसाद मिला। इस मुहिम की शुरुआत में यहां जिला परिषद स्कूल की ओर से टीकाकरण जागरूकता के उद्देश्य से विद्यार्थियों की प्रभात फेरी निकाली गई। वही जिला परिषद की स्कूल और स्थानीय महादेव मंदिर के टीकाकरण केंद्र में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। कोविड-19 टीकाकरण में दुनिया भर में हमारे भारत देश ने अव्वल स्थान हासिल कर लिया है। हर शहर और हर गांव से टीकाकरण को मिल रहे नागरिकों के प्रतिसाद से भारत ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी कड़ी में बुधवार को दिग्रस तहसील के लाखराजी गांव में आयोजित टीकाकरण मुहिम को उम्दा प्रतिसाद मिला। यहां पहले तो जिला परिषद स्कूल की ओर से विद्यार्थियों की प्रभात फेरी के रूप में टीकाकरण जागरूकता रैली निकाली गई। इसके बाद ये एहतियात टीकाकरण के दो केंद्रों को सहायक जिला अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सावंत कुमार ने भेंट दी। टीकाकरण मुहिम को लोगों से मिल रहे प्रतिसाद को देखकर खुशी जाहिर की। मध्ये मी लाख गाँव मध्ये विजिट घेतली। यहाँ पे वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है। मंदिर में रखा है क्योंकि यहाँ पे मंदिर में लोग खुद से आते हैं विजिट करने, तो यहीं पे उनका रसीकरण हो जाता है। ऐसे करके दिग्रस को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और दिवाली तक जितना ज्यादा हो सके एटलीस्ट 70-80% तक पहुँचने का हम लोग का लक्ष्य है। तो बाकी सबसे सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग आइए। फर्स्ट डोज नहीं लिया है तो लीजिए और सेकंड डोज भी जितना जल्दी हो सके लेके जाइए। मालूम हो कि लाखराजी गांव के महादेव मंदिर और जिला परिषद स्कूल में टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई थी। इन दोनों केंद्रों पर शाम 7 बजे तक टीकाकरण सत्र जारी था। मालूम हो कि मंदिर में दर्शन लेने आ रहे लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर टीकाकरण में हिस्सा लिया। इस मौके पर तहसीलदार, तहसील, स्वास्थ्य अधिकारी, सरपंच नंदा काले, पुलिस पाटिल रविशंकर ढोले, जिला परिषद स्कूल में मुख्याध्यापक योगेश देशमुख और स्वास्थ्य विभाग के कई अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी, ग्राम पंचायत पदाधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गौरतलब है कि टीका लगाने आए नागरिकों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत भी किया गया। कुल मिलाकर दिग्रस तहसील के लाखराजी में टीकाकरण मुहिम बेहद सफल रही। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।